कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इससे निपटने की तैयारी भी तेज होती जा रही है। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जेपी अस्पताल का दौरा किया और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने योगा क्लास का भी निरीक्षण किया, साथ ही टेबल टेनिस कक्ष में वो टेनिस खेलते हुए भी नजर आए। जेपी अस्पताल पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, आईसीयू वार्ड का यहां पर लोकार्पण किया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो आईसीयू वार्ड है उसका भी आपने लोकार्पण किया है, क्या व्यवस्थाएं देखी है? मध्य प्रदेश में जो तीसरी वेव की मद्देनजर जो तैयारियां अस्पतालों में हम लोगों ने की हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट, ऑक्सीजन के जो हमारे लिक्विड ऑक्सीजन के लिए टैंक भी लगाए गए हैं, आईसीयू के बेड, एचडीयू के बेड, ऑक्सीजन की लाइनें, बच्चों के लिए भी पीआईसीयू हम लोगों ने स्वीकृत किए थे जो लग चुके हैं, तो और दवाइयों की व्यवस्था, तो लगातार पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने मध्य प्रदेश में की। सर, लेकिन अभिभावकों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि स्कूल बंद होने चाहिए, इसको लेकर आप की क्या? पर डे समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो जैसे जिलों से जिस तरीके से वहाँ की क्राइसिस कमेटियों की वहाँ से रिकमेंडेशन आएंगी, उसके आधार पर आगे भविष्य में निर्णय लेंगे। कोविड किट से खुद लोग जो टेस्ट कर रहे हैं, इस तरह का भी मामला सामने आया है? हम लोग टेस्ट की कैपेसिटी मध्य प्रदेश में हम लोगों ने बढ़ाई है और ज़्यादातर हम लोग आरटीपीसीआर के टेस्ट कर रहे हैं और 70,000 से कल तो हमारे 80,000 टेस्ट यहाँ पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश में किए थे। पॉजिटिविटी रेट भी 5% के आसपास हो गया है। मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, जिन्होंने जेपी अस्पताल का निरीक्षण किया है और आईसीयू वार्ड का भी यहां पर लोकार्पण किया है, और उनका कहना है कि जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी गई है, इसके साथ ही लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ सदफ हामिद, 24 भोपाल।